आज हम फोर्थ ट्रिक शुरू करने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने पहले कुछ ट्रिक फोर लिख रखी है और आगे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो लिखने का सेव हो जाए। तो हम अब इससे शुरू करेंगे। ट्रिक जो फोर है उसके दो पार्ट्स हैं। पहले आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिए कि उसमें क्या क्या फर्क है। देखिए, ये जो ऊपर ए पार्ट में मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, फोर क्वेश्चंस, उसमें पीछे फाइव फाइव है सभी के पीछे, और आगे वाला जो पार्ट है, देखिए जैसे फोर और एट की बात कर रहा हूं मैं, फोर भी इवन है और एट भी इवन है। यहां पे 13 ऑड है और 7 ऑड है, 9 ऑड 7 भी ऑड। यहां पे 5 को छोड़ के 12 इवन है और 8 इवन है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि पीछे 5 होना चाहिए और आगे वाला जो पार्ट है, जैसे ये, या तो दोनों इवन होने चाहिए जैसे 4 और 8 है, और 12 और 8 जैसे ये दोनों इवन है, या फिर 5 के बाद ये वाले जो बचे हैं, या अगर ये दोनों होने चाहिए ऑड, जैसे 13 भी ऑड है और 7 भी ऑड है, सॉरी 9 भी ऑड है, 7 भी ऑड है। ठीक है जी। तो ए पार्ट समझ गए होंगे आप कि पीछे 5 होना चाहिए और आगे वाला जो पार्ट है या तो दोनों इवन होने चाहिए या फिर दोनों ऑड होने चाहिए, जैसे 13 और 7 ऑड है। तो पहले मैं इसको समझाऊंगा कैसे करेंगे इसको। इनके पीछे जो आएगा वो 25 आएगा सभी के पीछे, तो डायरेक्ट 25 लिख लेंगे। इसको बाद इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनना है आपने। 4 और 8 को मैंने प्लस कर दिया, वो हो गया 12। 12 जो है उसका हाफ करके, हाफ मतलब 2 से उसको काट के 6 को आपने अपने माइंड में रखना है। कैसे करेंगे देखिए, 4 और 8 को प्लस करेंगे वो आएगा 12। 12 का हाफ कर दिया 6। 6 आपने अपने माइंड में रखना है कि 6 है यहाँ पे। उसके बाद 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 8 इंटू 4 होते हैं 32। 32 और एक 6 जो हमने रखा हुआ था अपने माइंड में उसको इसमें ऐड करना है, तो 32 और 6 हो गया जी 38। होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा इसको मैं समझाता हूँ, नेक्स्ट वाले देखिए सुनिए। 13 और 7 को हमने प्लस कर लिया, वो आ गया 20। 20 को 2 से मैंने डिवाइड कर दिया मतलब काट दिया, वो 10 आ गया। मगर 10 जो है वो मैंने माइंड में रखना है, तो बोर्ड में मैं तब लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अभी समझाना है, फर्स्ट राउंड हमारा चल रहा है। 13 और 7 का प्लस 20 करके उसका हाफ करके जो 10 है वो हमने अपने माइंड में रखना है कि 10 है। आगे 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 91 आ गया। उस 91 में ये जो 10 रखे थे हमने अपने माइंड में उसको ऐड कर देंगे, 91 और 10 हो गया 101। तो ऐसे हमारा आंसर बन जाएगा। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये आपको बताया है कि 5 और 5 25 हो गए। फिर आपको एक बार ये चीज रिवाइंड कर रहा हूं कि ये ट्रिक जो है, ट्रिक नंबर 4 का ए पार्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, उसमें पीछे 5 होना जरूरी है और आगे वाले या तो दोनों इवन हो, जैसे ये देखिए और ये देखिए 12 और 8 दोनों इवन नंबर्स हैं, या फिर 5 के बाद जो है दोनों ऑड होने चाहिए, जैसे 13 और 7 दोनों ऑड कैटेगरी में आते हैं और 9 और 7 ये भी दोनों ऑड कैटेगरी में आते हैं। तो ए में ये होना चाहिए अगर हमने इसको सॉल्व करना अच्छी तरह से एक्यूरेट आंसर निकाले। देखिए यहाँ पे 9 और 7 को मैंने प्लस कर लिया तो ये आ गया 16। 16 को 2 से काट के अपने माइंड में रख लिया कि 8 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम करेंगे तो उसको ओरली अपने माइंड में रखेंगे कि 9 और 7 16 है, उसका हाफ 8 है, 8 माइंड में रहेगा। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 63। 63 और 8 जो हमारे माइंड में है, 63 और 8 कितने होते हैं 71। तो ऐसे हमारे आंसर्स आते जाएंगे, इसी तरह से आप करते जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, रूल्स को कितना अपने माइंड में रखते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट, तो इसी का ट्रिक का जो है मैं बी पार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि कई बार वही है कि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो कर लेता है बच्चा तो किसी और से मिक्स कर लेता है। तो इन दोनों को, फोर्थ के जो मैंने ए और बी बताए हैं,
ये इसीलिए बनाए हैं कि ताकि ये दोनों साइमल्टेनियसली आपको पता चल जाए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, आंसर कहां पे डिफर करता है। तो अब यहां पे आप देखेंगे एक बार ध्यान से, अब देखिए इससे ये वाली कैटेगरी बी वाली कैसे डिफरेंट है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि 5 के आगे इवन या दोनों ऑड, मगर अब यहां पे कैसे है, यहां पे पीछे 5 है, देख लीजिए। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है ए वाले पार्ट से। अब फर्क कहां पड़ रहा है, देखिए यहां 5 से पहले 4 जो इवन है और 9 क्या है, ऑड है, मतलब एक इवन एक ऑड। फिर यहां आएंगे, ये देखिए 5 से पहले 13 वो ऑड है, 4 जो है इवन है, इसका मतलब एक ऑड एक इवन। यहां देखिए 7 ऑड 8 इवन, मतलब फिर वही ऑड इवन। यहां देखिए 8 इवन 9 ऑड, मतलब फिर वही इवन ऑड। तो बी को हम ऐसे याद रखेंगे कि 5 पीछे होना चाहिए और आगे वाले पार्ट पे जो है नंबर जो बचे हुए हैं, डिजिट बचे हुए हैं, तो वो क्या होने चाहिए, एक इवन होना चाहिए एक ऑड होना चाहिए, ए में दोनों इवन या दोनों ऑड। होप है कि आपको क्लियर हो गया होगा इनका डिफरेंस, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है दोनों कैटेगरीज के मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं। तो इसको आप देखेंगे कि इसको कैसे करना है, इसमें और इसमें कहाँ फर्क आता है। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि यहाँ पे जो लास्ट में आएगा वो 75 आएगा। कई बच्चे इस बात को मानते नहीं है, मगर आप करके देखोगे फिर आपको लगेगा कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। इसमें यहाँ पे लास्ट में हर एक के लास्ट में 75 ही आएगा। आप कैलकुलेटर उठाइए अभी, चेक करके देखिए रिजल्ट जो आपके सामने होगा कि ये बात ट्रू है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे करेंगे इसको, 4 और 9 को प्लस करेंगे वो आएगा 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे वैसे जैसे यहां पे किया था, 13 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं क्या आएगा मेरा 6.5। तो मैंने जो पॉइंट वाला जो पोर्शन है उसको मैंने उसका ध्यान नहीं रखना है, मैंने जो आगे आएगा 6 सिर्फ इसी का ध्यान रखना है, ये अपने माइंड में रखना है, पॉइंट वाला पार्ट जो उसका ध्यान नहीं रखना हमें। आगे चलते हैं, 4 9 36, 36 में वो क्या ऐड करेंगे, 6 जो आगे हमने अपने माइंड में रखे थे, तो वो आ गया जी 42। ऐसे आगे चलते हैं, थोड़ा और क्लियर कर दूंगा मैं। ये देखिए 13 में 4 मैंने प्लस किए तो वो आ गया 17, 17 आ गया। 17 को मैंने 2 से अपने माइंड में काटना है, आपने लिखना नहीं है, 8.5। इसको कैसे करेंगे, तो हमने पॉइंट वाला क्वेश्चन जैसे आपको बताया है वो याद नहीं रखना है, हमने सिर्फ ये वाला 8 ही याद रखना है, अपने माइंड में 8 को बैठा के रखो। फिर 13 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, वो क्या आएगा 52, 52 में ये 8 मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 60। उम्मीद है इससे बेहतर ये हो गया होगा, आपको समझ लग गई होगी। एक लास्ट वन मैं और करूंगा, सुनिए ध्यान से, 7 और 8 को मैं अगर ऐड करता हूं तो वो होता है 15, 15 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो वो क्या आता है 7.5। 7.5 का 7 उठा लीजिए, पॉइंट वाला पार्ट छोड़ दीजिए, उसके बाद 7 को 8 से मल्टीप्लाई करिए 56, 56 में ये 7 जो है ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 63। अब उम्मीद है कि ये समझ लग गया होगा। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूं, अगर आपको ये समझ लग गया तो आप इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसे बताया हुआ है, मगर इसमें थोड़ा स्पीड और बढ़ सकती है, वो आप देखेंगे कैसे। यहां पे हमारे जब ऑड और इवन होते हैं, जैसे यहां पे 7 और 8 की सिचुएशन है, तो इसमें जो ऑड नंबर कोई भी नंबर जो छोटा नंबर है, जैसे मान लीजिए 7 और 8 में कौन सा छोटा नंबर है, 7, तो फिर वो ये वाला हमें पार्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो छोटे वाला जो है उसी को अपने माइंड में रख सकते हैं। देखिए कैसे, 5 पहले तो 75 लगा दिया मैंने, अब इन दोनों में से क्या करूंगा, अगर ये बिल्कुल कंसेकटिव है, कंसेकटिव का मतलब लगातार होना चाहिए, जैसे 7 और 8, तो इसको मैं 7 को अपने माइंड में रख लूंगा, फिर ये वाला पार्ट मैं चाहे ना ही करूं, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके आ गया 56, और जो 7 था मैं अपने माइंड में मैंने रखा था उसको मैंने 56 में ऐड कर दिया, वो हो गया 63।
इसी बात को अगर आप बेहतर से समझना चाहते हैं, मैं एक क्वेश्चन को लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने 45 into 55, इसमें क्या होगा? देखिए कंडीशन मैंने वही बनाई है, पीछे 5 है और एक इवन है एक ओड है, तो लास्ट में तो हम श्योर है कि 75 ही आएगा। उसके बाद क्या होगा, जब मैं इन दोनों में से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों लगातार है 4 और 5, तो इसमें से मैं 4 को अपने माइंड में रख लूंगा। उसके बाद 4 माइंड में है, 5 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो आ गया 20 20, और जो 4 मैंने अपने माइंड में रखे थे वो ऐड करके बन गया 24, तो ये हमारा आंसर बन गया 2475। इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे 8 और 9 है, 8 और 9 क्या है, ये भी लगातार है, तो इसमें से मैं 8 को अपने माइंड में रख लूंगा। फिर उसके बाद 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके मैं लिखूंगा 72, और उसमें 8 ऐड कर दूंगा जो मैंने अपने माइंड में रखी होती। व्यूअर्स, ये आपने ध्यान में रखना है, ये वाला पार्ट जो कैंसिलेशन वाला है तब छोड़ सकते हैं हम जब ये वाले जो नंबर्स दिए हुए हैं 5 के अलावा, अगर वो दोनों लगातार है, और लगातार में से वो वाला उठाना है जो उन दोनों में से छोटा है। जैसे 7 और 8 में से मैंने 7 उठाया था, 8 और 9 में से मैंने 8 उठाया था, 4 और 5 में से मैंने 4 उठाया था। होप है कि व्यूअर्स आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी होगी, ये फर्स्ट से थोड़ी मिलती जुलती है, तो आपने थोड़ा बच बच के उसके रूल्स को ध्यान में रख के सभी ट्रिक्स को फॉलो करना है। होप है कि अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कईयों के कमेंट्स आए हुए हैं, वो अभी मैं फिर ऐसे है कि उससे ट्रिक नहीं बदल सकता, अपनी सीक्वेंस नहीं बदल सकता, तो व्यूअर्स उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। हाँ, उसको अगर मैं सॉल्व तो जरूर करूंगा, मगर थोड़ा मेरे को टाइम चाहिए और सीक्वेंस को फॉलो करना जो मेरे लिए जरूरी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।